Hello students, I wish you a good morning and today we are going to learn sight words from number 41 to 45. Number 41 to number 45. Okay, there are 5 sight words. First sight word is play, P-L-A-Y, play. Second sight word is D-O-W-N, down, D-O-W-N, down. Third, F-O-R, for, F-O-R, for. Next, fourth, G-E-T, get, G-E-T, get. And fifth is G O go, G O go. Okay, now let's describe each sight words. First, play. What do you mean by play? What do you understand about play? Play means khelna. Okay, play means khelna. Aap kuch khelte ho, koi bhi game ho, ya to fir puzzle ho, ya to fir apna kitchen set ho, kisi bhi toy ke saath jo aap khelte ho, to khelna use bolenge hum play. Okay, P L A Y, play. I'm playing cricket. I'm playing football. I'm playing game in a phone. Okay? I'm playing with my doll. Okay? I play with my kitchen set. तो ये जो सारे sentence है वो है play के. ठीक है? तो ये जो सारे sentence होते हैं जिसमें हम play words use कर सकते हैं. ओके, सेकंड है डी ओ डब्ल्यू एन, डाउन. डाउन मीन्स नीचे. डाउन मीन्स नीचे. देखो, मैंने आपको एक साइट वर्ड समझाया था, वो है यूपी अप. यूपी अप, तो अप मीन्स ऊपर, और उसका ऑपोजिट साइड कौन सी होती है? तो डाउन, नीचे. हम जब आगे जाएंगे ना थोड़ा, तो हम ऑपोजिट सीखेंगे. जब आपकी एग्जाम आएगी ना तब, तो वो जो ऑपोजिट वर्ड्स है उसमें ये ऑपोजिट है, अप ऑपोजिट डाउन, अप ऑपोजिट डाउन. अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे. ओके, सो दिस इज डाउन. डाउन मीन्स नीचे. तो डाउन के सेंटेंस है, लुक एट द डाउन साइड, नीचे की तरफ देखो वहां पे. ओके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, योर प्रोग्रेस बिकम डाउन. आपका जो प्रोग्रेस है वो नीचे आ गया है, मतलब आप होशियार थे और अब थोड़े डाउन हो गए हो. ओके, फिर सेंटेंस दूसरा है, सिट डाउन. सिट डाउन मतलब नीचे बैठो, है ना? ओके, सिट डाउन, बराबर. फिर गो डाउन, कम डाउन. तो ये जो सारे सेंटेंस है छोटे छोटे, वो है डाउन वर्ड्स के. नेक्स्ट है एफ ओ आर, फॉर. देखो बेटा, यहाँ पे फॉर दो टाइप्स के हैं. वन एफ ओ आर फॉर मतलब किसी के लिए. ओके, अगर मुझे कहना हो कि प्लीज़ मेरे लिए पेन ले आओ, प्लीज़ मेरे लिए पेन ले आओ, तो मैं क्या कहूँगी? प्लीज़ ब्रिंग फॉर मी पेन.
फॉर मी मतलब मेरे लिए, ओके मेरे लिए। अगर आपको पानी पीना हो तो मम्मी से आप क्या कहोगे, मम्मा प्लीज़ ब्रिंग फॉर मी वाटर, प्लीज़ ब्रिंग फॉर मी ग्लास, ओके। तो ये जो फॉर है वो उसका प्रोनाउंसिएशन है फॉर, एफ ओ आर फॉर, बराबर प्लीज़ ब्रिंग फॉर मी वाटर फॉर। और दूसरा जो है लेट्स आई राइट इट इन विथ पेंसिल, लुक एट हियर, दूसरा जो है वो है एफ ओ यू एंड आर, ओके। एफ ओ यू आर क्या होता है, वो होता है फोर, एफ ओ यू आर फोर होता है, फोर क्या है वो नंबर है, ओके। लेट्स आई एक्सप्लेन यू क्लियरली, यू हैव टू अंडरस्टैंड, एफ ओ आर फॉर, फॉर क्या होता है फॉर, ओके, एंड एफ ओ यू आर फोर, फोर फोर वो नंबर होता है और फॉर जो होता है वो मेरे लिए होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट गेट, जी ई टी गेट, जी ई टी गेट, गेट मीन्स, गेट मीन्स कुछ पाना। अगर आप लोग कुछ फाइंड कर रहे होते हो, कुछ खो गया हो जिसे आप ढूंढ रहे होते हो, अगर वो चीज़ आपको मिल जाती है तो आप क्या बोलोगे, आई गेट इट, आई गॉट इट, आई गेट इट, એટલે મને મળી ગયું, બરોબર મુજે મિલ ગયા, ઠીક હે। તો ગેટ કા મતલબ હૈ મિલ જાના, અગર આપ કોઈ ચીજ ઢૂંઢ રહે હો ઓર વો ચીજ આપકો મિલ જાતી હૈ તો મિલ જાને કે બાદ આપ ક્યા બોલોગે, આઈ ગેટ ઇટ, ઓકે આઈ ગેટ ઇટ, ઠીક હે। એન્ડ લાસ્ટ સાઇટ વર્ડ્સ હે જી ઓ ગો, ગો મીન્સ જાઓ, वो तो आपको पता ही है, गो मीन्स जाना, ओके। आई गो टू स्कूल बाय बस, आई गो विथ माई पेरेंट्स, आई एम गोइंग, ओके। सो दिस ऑल आर सेंटेंस ऑफ वर्ड्स गो। नाउ आई शो यू फ्लैश कार्ड, लुक एट हियर, फर्स्ट है पी एल ए वाई प्ले, P L A Y play, ठीक है। D O W N down, look at here, D O W N down, okay। Next is F O R for, F O R for, and F O U R क्या होता है four, F O U R फोर। नेक्स्ट जी ई टी गेट, जी ई टी गेट, जी ई टी गेट। नेक्स्ट इज जी ओ गो, जी ओ गो, जी ओ गो, ओके। तो ये जो साइट वर्ड्स है वो हमने आज सीखे, अब नेक्स्ट में फिर से 1 to 40 तक एक्सप्लेन करूँगी, फिर से सिखाऊँगी, रिपीट करूँगी विथ दिस फ्लैश कार्ड, ओके। अब मैं नंबर 1 to 40 तक रिपीट करूँगी वो ऐसे फ्लैश कार्ड के साथ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स रिपीट अगेन फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है। एल डबल ओ के लुक, 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 एल डबल ओ के लुक। आई एन इन, आई एन इन, आई एन इन, आई एन इन, I am in, I am in, ठीक है। नेक्स्ट
H E R E here, H E R E here, H E R E here, H E R E here. Okay, so जब हमें look words का use करना हो तो हम कैसे करते हैं? Look at here, look at there, okay? Look beta, look at the blackboard, look at in your notebook, okay? फिर look का मतलब है देखना, ठीक है? I and in का मतलब है किसी चीज़ के अंदर. We live in the house. हम रहते हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं? तो घर के अंदर, ठीक है? Fish live in fish aquarium. ओके, या तो फिर fish bowl, या तो फिर in a water. So fish रहती है, लेकिन कहाँ रहती है? तो पानी के अंदर, ठीक है? Lion live in a jungle. Lion live in a jungle. तो लायन रहता है, लेकिन कहाँ रहता है? तो जंगल के अंदर, ऐसे. ओके, फिर नेक्स्ट है H E R E here. Here means यहाँ, पास में. जो हमारे इधर पास में है वो है here, यहाँ. जहाँ पे हम होते हैं एग्जैक्ट वो जगह दिखाने के लिए here words का यूज़ होता है, ठीक है? H E R E here. So, come here, ठीक है? Come here, look at here, यहाँ आओ, यहाँ देखो, okay? तो H E R E here, H E R E here, H E R E here, okay? H E R E here. फिर नेक्स्ट है एन ओ नो. एन ओ नो, नो मतलब नो, नहीं, ठीक है? वो आप सबको पता है, नो मीन्स नहीं. सो आपको होमवर्क करना है तो आप क्या बोलोगे? नो, है ना? तो नो मीन्स नहीं. एन ओ नो, एन ओ नो. एन ओ टी नॉट, 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 ठीक है? नॉट का मतलब भी नहीं ही होता है, नथिंग. नॉट मीन्स ना, ओके? एन ओ टी नॉट. आई कैन नॉट ड्रिंक वाटर, मैंने पानी नहीं पिया, ठीक है? आई डोंट वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी नहीं पीना है, ठीक है? आई डोंट वॉन्ट टू ईट, मुझे खाना नहीं खाना है, ठीक है? नेक्स्ट इज Y E S, यस. Y E S, यस. यस का मतलब है हाँ. जब मैं आपको पूछती हूँ बेटा आपको समझ में आया, तो आप आंसर देते हो ना यस, ओके? तो यस का मतलब है हाँ. Y E S, यस. Y E S, यस. Y E S, यस. Y E S, yes, okay. Next is C A N, can. C A N, can. So बेटा मैंने आपको समझाया था ना उस दिन कि can का मतलब है अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए हम कौन सा words का use करते हैं? तो can, okay? C A N, can. C A N, can. C A N, can. C A N, can.
आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ। आई कैन राइट, मैं लिख सकती हूँ। आई कैन सिंग, मैं गाना गा सकती हूँ। तो वैसे हम कुछ जब कर सकते हैं तो उसके लिए हम कैन यूज़ करते हैं वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है वाई ओ यू यू, यू मीन्स आप, ओके। वाई ओ यू यू, वाई ओ यू यू, वाई ओ यू यू। Y O U U, U means up. Do you write your homework? आपने आपका homework लिखा है? तो you means आप, okay? Next. W H E R E, where? W H E R E, where? Where means कहाँ, okay? W H E R E, where? Where means कहाँ? तो where words का use हम कहाँ कर सकते हैं? So sentence is where are you going? आप कहाँ जा रहे हो, है ना? Where is your pencil? आपकी पेंसिल कहाँ है? Where is my scale? मेरी स्केल कहाँ है? ओके? तो where words का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पूछना है होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, ठीक है। Now next is W H E R E, where? 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 I S is, I S is, I S is. Is का मतलब है, छः, okay? This is my pencil. ये मेरी पेंसिल है के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इज, ओके। और गुजराती में छ, मारी पास पेंसिल छ। तो छ वर्ड्स जो आता है, जो है वर्ड्स आता है, उसके लिए हम इज यूज़ करते हैं, ओके। दिस इज माय पेंसिल, दिस इज माय इरेजर, दिस इज माय पेन, ठीक है। तो is, 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 okay. Now next is my, m y my, my means mera, m y my, okay, m y my. M Y my, my means mera. This is my pencil. My means mera. Okay, this is my pencil. Next hai M Y my, 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 M Y my. ओके, एच ओ एम ई होम, एच ओ एम ई होम। होम मीन्स घर, ठीक है। होम मीन्स घर। तो होम वर्ड्स को हमें सेंटेंस में यूज करना है तो हम क्या करेंगे? This is my home, okay? My home is big, ठीक है। ये मेरा घर है और मेरा घर बहुत बड़ा है। So H O M E, home.
H O M E home. H O M E home. Okay. Next is C O M E come. C O M E come. Come means out. Okay. Out. जब हमें किसी को बुलाना है तो हम क्या बोलेंगे? Come. Out. Okay. So C O M E come. C O M E come. C O M E come. Next is D A D dead. D A D dead. Dead means daddy. D A D dead. D A D dead. Daddy, can I come with you? क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ या तो फिर आ सकता हूँ? तो daddy, please bring for me chocolate. मेरे लिए please आप chocolate लाना. तो daddy use words तो आप दिन में 50 बार use कर रहे होंगे, okay? So D A D dead. D A D dead. फिर S T O P stop. S T O P stop. Stop means रुक जाओ. ठीक है, तो अगर आप कुछ wrong लिख रहे होते हो, जैसा सिखाया है वैसा नहीं लिखते हो, तो मम्मी आपको बोलती है ना, stop stop stop, रुक जाओ, ये wrong है, erase करो. ओके, सो S T O P stop. S T O P stop. S T O P stop. A N D end. A N D end. A N D end. Okay. फिर एंड का मतलब है और. एंड का मतलब है और. ए एन डी एंड. I have one pencil and one eraser. आपको किसी दो चीज़ के बारे में बोलना हो और एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये है, तो दोनों चीज़ के बीच में जो और वर्ड्स आता है वो क्या है? A N D and. ओके, A N D and. A N D and. B U T but. B U T but. B U T but. But means lacking. But means lacking. ठीक है, but. B U T but. B U T but. F A S T fast. F A S T fast. F A S T fast. Fast means तेज. Okay, फटाफट. तो जब आप धीरे लिख रहे होते हो तो आपको मैडम भी बोलते हैं और मम्मी भी बोलते हैं ना कि write fast, है ना. जब आप खाना नहीं खाते हो तो मम्मा बोलती है फटाफट खाओ, चलो फटाफट फिनिश करो, ईट फास्ट. ओके, सो F A S T फास्ट.
FAST fast, FAST fast, FAST fast, FAST fast. Okay. नेक्स्ट है HELP हेल्प, HELP हेल्प, हेल्प मीन्स किसी की मदद करना, मदद. ठीक है, तो आई कैन हेल्प टू माय मदर इन द किचन. मैं मम्मी को किचन में हेल्प करती हूँ. ठीक है, आई कैन हेल्प to my brother in do his homework. Okay, so HELP help. I means me. Okay, me. I want to drink water. मुझे पानी पीना है. Okay, WEV. देखो, I जब हम यूज़ करते हैं तो सिर्फ अपने लिए करते हैं, मतलब अगर हमें सिर्फ हमारे बारे में बात करनी है तो हम I यूज़ करेंगे, फिर my यूज़ करेंगे MY, फिर me यूज़ करेंगे. ओके, लेकिन हमें सिर्फ हमारे बारे में बात नहीं करनी है, सबके बारे में बात करनी है, तो हम क्या बोलेंगे? वी. ठीक है, अगर आपको सिर्फ अपने बारे में बात करनी होती है तो आप आई, मी और माय तीन वर्ड में से किसी एक का वर्ड्स, एक वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो. लेकिन आपको सबके बारे में बात करनी है तो आप क्या, कौन सा वर्ड्स यूज़ करोगे? वी, WEV. ओके, वी ऑल आर गो टू द पार्क. ठीक है, वी ऑल आर स्टडी इन क्लासरूम. ठीक है, ओके, सो हम सबके बारे में ऐसे बात करते हैं तो क्या आता है? वी, WEV. ओके, नेक्स्ट इज CANT, कांट. जैसे मैंने आपको समझाया था कि कैन का मतलब है आप अगर कुछ कर सकते हो तो उसके लिए हम कैन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा बोलना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? कांट. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कहना है कि मैं तैर नहीं सकती, आई डोंट नो हाउ टू डू स्विम. ओके, सो मैं क्या बोलूँगी? आई कांट स्विम. ठीक है, मुझे तैरना नहीं आता, मैं तैर नहीं सकती. ठीक है, फिर मुझे गाना नहीं गाना आता, मैं गा नहीं सकती, तो क्या आएगा? आई कांट सिंग. ओके, आई कांट सिंग मतलब मैं नहीं गा सकती. ठीक है, सो CANT कांट, CANT कांट, CANT कांट. नेक्स्ट इज HEE. तो हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? ही, HIS हीज और HIM हिम. ये तीनों जो वर्ड्स है वो किसके लिए है? तो बॉय के लिए है. ओके, तो हमें HEE यूज़ करना है तो किसके लिए करेंगे? बॉय के लिए. ठीक है, ही इज बॉय. ओके, एंड हिज नेम इज जय. ओके,
सो एच ई ही, एच ई ही बराबर। नेक्स्ट इज एम ई मी, एम ई मी, मी मीन्स मेरे लिए, ठीक है। प्लीज ब्रिंग वन ऑफ वन ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, प्लीज गिव मी चॉक स्टिक, ओके। मी, एम ई मी मीन्स मेरे लिए, ओके। एम यू एम मम, मम का मतलब है मम्मी, एम यू एम मम, मम का मतलब है मम्मी। तो आप मम्मी को दिन में 50 बार बुलाते होंगे, है ना। मम्मी आई वॉन्ट टू ईट, मम्मी आई वॉन्ट टू ड्रिंक, है ना। मम्मी आई वॉन्ट टू वॉच कार्टून, आई वॉन्ट टू प्ले गेम। कितनी बार मम्मी को बुलाते हो आप दिन में, तो आप मम्मी को मम भी कह सकते हो, ओके। नेक्स्ट इज आई टी ईट, गेट हियर, आई टी ईट। तो ईट वर्ड्स का यूज हम वहाँ ऐसे करने के लिए यूज करते। फॉर एग्जाम्पल, इट इज पेंसिल, लुक, इट इज चेयर, ठीक है, इट इज स्टैंड बॉक्स, है ना। फिर इट इज फ्लैश कार्ड ऑफ साइट वर्ड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एलईडी लेड, एलईडी लेड, एलईडी लेड, ओके। एलईडी लेड, लेड मीन्स बेबी बॉय। नेक्स्ट इज बी एन बेन, बी एन बेन, बी एन बेन, ओके। नेक्स्ट इज एच आई डी ई हाइड, तो हाइड वर्ड्स हम कब यूज करते हैं, हाइड मीन्स छुपाना, ओके। हुज हाइड माई पेंसिल, हुज हाइड माई इरेजर, किसने मेरी पेंसिल और इरेजर छुपाया, ठीक है। तो हाइड मीन्स छुपाना। जे आई डबल एल जिल, जे आई डबल एल जिल, जिल मीन्स ये नेम है जो हम सेंटेंस में यूज करना हो तो हम क्या बोलेंगे, जिल प्लीज कम हियर, जिल प्लीज टेक योर वर्क सीट, है ना। सो जिल वो एक नाम है, वैसे टी ओ एम टॉम, टॉम भी एक नाम है, ओके। फिर नेक्स्ट है यू पी अप, यू पी अप, ओके। यू पी अप, अप मीन्स ऊपर, अप मीन्स ऊपर, ओके। सो प्लीज कीप इट अप, आप जब होमवर्क करते हो तो अच्छा लिखा होता है तो मैं आपको वो लिख के देती हूँ ना मैसेज में कि कीप इट अप। कीप इट अप का मतलब है ऐसे ही ऊपर जाते रहो, ऐसे ही आपको अच्छा आए, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एल आई के ई लाइक, एल आई के ई लाइक, लाइक मीन्स अच्छा लगना, ओके। आई लाइक टू प्ले विथ माई ब्रदर, मुझे मेरे भाई के साथ खेलना अच्छा लगता है। आई लाइक टू ईट एन आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, ओके। सो एल आई के ई लाइक, एल आई के ई लाइक। फिर नेक्स्ट है आर यू एन रन, आर यू एन रन, रन मीन्स दौड़ना, भागना, ठीक है। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रही हूँ। आई कैन रन फास्ट, मैं फास्ट दौड़ सकती हूँ, ओके। सो आर यू एंड रन। नेक्स्ट इज टी एच आई एस दिस, टी एच आई एस दिस, ओके। दिस मतलब ये, यहाँ पे जो चीज़ है उसके लिए
मैं क्या वर्ड्स यूज करूँगी? तो THIS, दिस, THIS, दिस, ओके, दिस इज माई पेंसिल, दिस इज माई फ्लैश कार्ड, ऑफ साइट वर्ड्स, ओके। फिर नेक्स्ट है दिस इज माई स्पून, ओके। सो वैसे दिस वर्ड्स हम तब यूज करते हैं जो चीज़ हमारे पास हो तो उसको दिखाने के लिए हम ये दिस वर्ड्स यूज करते हैं, THIS, दिस, ओके, THIS, दिस, ON, ऑन, ON, ऑन। ऑन का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट देयर, देयर इज अ टेबल एंड लुक देयर, हाँ, देयर इज माई वाटर बॉटल ऑन द टेबल, ओके। Look at here, there is a table and stand box is on the table. वहाँ पे stand box जो है वो table के ऊपर है, okay? Now next, S double E, see, see means देखना, S double E, see, okay, S double E, see, see means देखना, I can see you, मैं आपको देख सकती हूँ, ठीक है, S P A R K Y, sparky, S P A R K Y, sparky, sparky means वो जो तनखा उड़ता है ना, तनखा जब दो वायर ऐसे ज्वाइंट होते हैं तो पता है वो झंझनाती होती है, जो जिस शॉकिंग शॉक लगता है वो जो होता है उसे स्पार्की कहते हैं, स्पार्क, ओके। वायर में जब वो ऐसे करंट जैसा आता है ना तो वो जो लाइटिंग होती है वो है स्पार्क, स्पार्की। S double E C, again C means देखना, okay? Next is OUT, 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 out means जाना, okay? Out means चले जाना, ठीक है। हम किसी को बोलते हैं ना get out, यहाँ से चले जाओ, है ना, get out from the class, get out from the house, ओके। सो आउट मतलब चले जाओ, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल शो यू दिस ऑल साइट वर्ड्स इन अ फ्लैश कार्ड, ओके। लुक एट हियर, फर्स्ट इज लुक, एल डबल ओ के, लुक, एल डबल ओ के, look, okay. Next is IN, 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 in. Next is HERE, 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 okay. Next is NO, 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 no. Next is NOT, 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 not. Next is YES, 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 yes. Next is CAN, 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 can. Next is YOU, 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 okay.
YOU. नेक्स्ट इज WHERE, वेर, WHERE, वेर. नेक्स्ट इज IS, इज, IS, इज. नेक्स्ट इज MY, माय, MY, माय, MY, माय. नेक्स्ट इज HOME, होम, HOME, होम. नेक्स्ट COME, कम, COME, कम. नेक्स्ट इज DAD, डैड, DAD, डैड, DAD, डैड. नेक्स्ट इज STOP, स्टॉप, STOP, स्टॉप. ओके, नेक्स्ट इज AND, एंड, AND, एंड, AND, एंड. नेक्स्ट इज BUT, बट, BUT, बट, BUT, बट. नेक्स्ट इज FAST, फास्ट, FAST, फास्ट, FAST, फास्ट. ओके, नेक्स्ट इज HELP, हेल्प, HELP, हेल्प, HELP, हेल्प. ओके, नेक्स्ट इज I. नेक्स्ट इज WEV. नेक्स्ट इज CANT, कांट, CANT, कांट, CANT, कांट. HEE. नेक्स्ट इज ME, me. ओके, नेक्स्ट इज MUM, मम, MUM, मम, MUM, मम. नेक्स्ट इज IT, it. नेक्स्ट इज LAD, लेड, LAD, लेड, LAD, लेड. नेक्स्ट इज BEN, बेन, BEN, बेन, BEN, बेन. नेक्स्ट इज HIDE, हाइड, HIDE, हाइड, HIDE, हाइड. नेक्स्ट इज JILL, जिल, JILL, जिल, JILL, जिल. TOM, टॉम, TOM, टॉम, TOM, टॉम. UP, up. LIKE, like. THIS, 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 this. ओके, एंड ओ एंड ऑन, ओ एंड ऑन, ओ एंड ऑन. ओके, नेक्स्ट इज SEE, SPARKY, 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 SEEC. ओके, नेक्स्ट इज OUT, आउट, OUT, आउट, OUT, आउट. ओके,